नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने टेस्ट सीरीज में बदलाव का कोई आग्रह नहीं किया है। ECB ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बाकी बचे मैचों के आयोजन के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव करने का अब तक आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया है। दरअसल ECB के प्रवक्ता ने बताया कि हम BCCI से नियमित रूप से सीरीज के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, खासकर जब हम COVID-19 की चुनौतियों का समाधान करते हैं, लेकिन तारीखों को बदलने के लिए कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया है और हम पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही 5 मैचों की श्रृंखला का आयोजन करेंगे। वहीं IPL 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन नहीं होने पर BCCI को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बता दें कि लीग के बायो बबल में COVID-19 के मामले पाए जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और क्रिकेट लेखक माइकल अथराटन ने द टाइम्स में अपने कॉलम में लिखा था कि BCCI ने IPL टूर्नामेंट को पूरा करने के लिए 5वें टेस्ट मैच के कार्यक्रम में बदलाव की संभावना के बारे में पूछा है। इस बारे में जब BCCI से संपर्क किया गया तो बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि वे कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ECB से आधिकारिक तौर पर संपर्क नहीं किया गया है। इसके साथ ही BCCI सूत्रों ने कहा, हम कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया है। जाहिर है जैसा कि माइक अर्थटन ने अपने कॉलम में लिखा है, जानकारी ली जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसने कहा कि जानकारी लेने का मतलब आधिकारिक संवाद होता है। फिलहाल टेस्ट सीरीज ओल्ड ट्रैफर्ड में खत्म होगी। 5वां और अंतिम टेस्ट मैच 10 सितंबर को शुरू होगा। अगर भारत आधिकारिक आग्रह करता है तो ECB को पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के अलावा अपनी महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता द 100 के कार्यक्रम में भी बदलाव करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।